नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 4 दिसंबर 2023, दिन सोमवार। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताएंगे। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया DHP न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए। इसके साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़कर खबरें पा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। सरकार का एक वर्ष पूरा होने के समारोह में आएंगे राहुल गांधी और प्रियंका। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 11 दिसंबर को राज्य सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर जिला कांगड़ा में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल होंगे। यह बात मुख्यमंत्री ने हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा की नियुक्ति के लिए आभार व्यक्त करने ओक ओवर पहुंचे समर्थकों को संबोधित करते हुए कही। भाजपा की जीत पर हिमाचल में जश्न का माहौल, जयराम बोले अब सुकून मिला। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत से हिमाचल में जश्न का माहौल है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बाजारों, सड़कों और पार्टी कार्यालयों में खुशी में लड्डू बांटे, पटाखे फोड़े और ढोल की थापर नाचते गाते हुए जश्न मनाया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के गृह जिला बिलासपुर में भी जश्न का माहौल रहा। जिला मुख्यालय स्थित पार्टी कार्यालय में एकत्रित हुए कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाने के साथ ही आतिशबाजी करके भाजपा की जीत पर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान भाजपा, नरेंद्र मोदी और JP नड्डा जिंदाबाद जैसे नारे गूंजे। सोमवार को भी परिधि गृह से पार्टी कार्यालय तक रैली निकाली जाएगी। उधर ऊना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर भाजपा का झंडा लेकर भंगड़ा डाला। रेणुका भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करके जहां अपनी खुशी जाहिर की, वहीं विजय जुलूस निकालकर इस जीत पर PM मोदी को बधाई दी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि देश ने कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के झूठ को नकार दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास पर मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल में आकर झूठी गारंटियां देकर गए थे, और आज मुझे सुकून मिला है जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन गई है। उनका किया गया प्रचार पूर्ण रूप से फेल हो गया है। बर्फ का दीदार करते हुए घूमिए अटल टनल रोहतांग, हसीन वादियों के लिए नजारे। बर्फबारी के कारण पर्यटकों के लिए बंद की गई अटल टनल रोहतांग रविवार को बहाल हो गई है। हालांकि सड़क पर बर्फ जमने के कारण प्रशासन ने वाहनों के लिए समय सारणी तय की है। सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक ही पर्यटक वाहन टनल होकर सिसु की तरफ भेजे गए। 4x4 वाहनों के लिए कोई समय सारणी नहीं है। अब सैलानी बर्फ का दीदार करते हुए टनल का नजारा ले सकेंगे। गौरतलब है कि बर्फबारी के कारण शुक्रवार को अटल टनल पर्यटक वाहनों के लिए बंद की गई थी। सड़क पर फिसलन के कारण धुंधी में वाहन फिसल रहे थे। अब बेशक मौसम खुल गया है, लेकिन सुबह और शाम के समय वाहनों के फिसलने की आशंका है। इसको देखते हुए पर्यटक वाहनों को तय समय में ही अटल टनल की ओर भेजा जा रहा है। युवा प्रधान ने 14वें वित्त आयोग की धनराशि से गांव में खोल दी आधुनिक लाइब्रेरी। पंचायतों में कई युवा प्रधान चुनकर आए हैं और वर्तमान में लोगों की सुविधा के लिए कई काम लीक से हटकर कर रहे हैं। युवा सोच पंचायत को बुलंदियों की ओर ले जा रही है। मंडी सदर विकास खंड के तहत आने वाले पंचायत डांडू के 29 वर्षीय युवा प्रधान शुभम शर्मा ने 14वें वित्त आयोग की धनराशि का सदुपयोग करते हुए पंचायत में आधुनिक लाइब्रेरी खोल दी है। अब स्थानीय युवाओं को घर द्वार ही पढ़ाई करने का बेहतर माहौल मिल रहा है। वर्ष 2021 में शुभम ने 14वें वित्त आयोग के माध्यम से 2.5 लाख की लागत से लाइब्रेरी का निर्माण करवाया। लाइब्रेरी में किताबों के साथ 2 कंप्यूटर और हाई स्पीड इंटरनेट प्रावधान भी कर रखा है। शुभम ने बताया कि उन्होंने युवाओं के लिए कुछ करने की सोची और लाइब्रेरी का निर्माण करवाया। लाइब्रेरी में 10 लोगों के बैठने की क्षमता है और यहां पर प्रवेश निःशुल्क है। युवा इस लाइब्रेरी का पूरा लाभ उठा रहे हैं। BEd की खाली सीटों के लिए 4 से 6 दिसंबर तक करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सोमवार को BEd की 100 से ज्यादा खाली BEd की सीटों के लिए स्टे वैकेंट राउंड की काउंसलिंग होगी। इसके लिए छात्रों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर 4 से 6 दिसंबर तक एडमिशन पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा, जिसके बाद विश्वविद्यालय सभागार में BEd एडमिशन कमेटी इन छात्रों की काउंसलिंग करेगी।
बीएड एडमिशन एंड काउंसलिंग कमेटी के समन्वयक डॉक्टर चमन लाल बांगा ने कहा कि मंडी के ब्लूम्स कॉलेज की 100 सीटों सहित खाली रही अन्य कॉलेजों की सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा देने वाले पात्र छात्र भाग ले सकेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जो पूर्व में काउंसलिंग में भाग ले चुके हैं और उन्हें सीट आवंटित नहीं की गई हो, ऐसे विद्यार्थियों को 200 रुपये की फीस जमा करवानी होगी। वहीं पहली बार काउंसलिंग के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को 700 रुपये की फीस चुकानी होगी। सिरमौर राजवंश के मुखिया लक्ष्य की जननी दिया की प्रचंड जीत, सीएम पद की दौड़ में हुई शामिल। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। सिरमौर के अंतिम शासक के नातिन व राजवंश के मुखिया लक्ष्य राज प्रकाश की मां दिया कुमारी ने प्रचंड मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया है। राजस्थान के जयपुर राजघराने की राजमाता पद्मिनी देवी का मायका नाहन में है। 1934 में सिरमौर रियासत के अंतिम शासक का राज तिलक हुआ था। 1964 को दिया कुमारी के नाना व अंतिम शासक का देहांत हुआ था। चूंकि अंतिम शासक का बेटा नहीं था, लिहाजा राजपुरोहितों ने ही महाराजा के अंतिम संस्कार की रस्मों को पूरा किया, साथ ही अस्थियों का विसर्जन किया था। विधानसभा चुनाव में जीत के अंतर मामले में दिया कुमारी ने वसुंधरा राजे को भी पीछे छोड़ दिया है। दिया कुमारी ने जहां 71,368 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है, वहीं वसुंधरा राजे का जीत का अंतर 53,193 रहा है। सिरमौर के शाही महल की दोहती दिया कुमारी ने राजस्थान की विद्याधर नगर सीट पर कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल को 71,368 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। राजस्थान चुनाव में सबसे बड़ी जीत दिया कुमारी की आंकी गई है। खास बात ये भी है कि विधानसभा की हॉट सीट की दौड़ में विद्याधर नगर विधानसभा सीट से चुनाव जीती दिया कुमारी भी शामिल नजर आ रही हैं। मीडिया के सवाल पर दिया कुमारी ने कुछ साफ नहीं किया। गौरतलब है कि भाजपा ने इस बार राजस्थान में सीएम कैंडिडेट की घोषणा नहीं की थी। 5 दिसंबर को नाहन में प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगा हाटी समुदाय। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में हाटी समुदाय को केंद्र से अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल चुका है, लेकिन राज्य सरकार जानबूझकर इसे लटका रही है। ये बात नाहन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय हाटी समिति के महासचिव कुंदन सिंह शास्त्री तथा कानूनी सलाहकार सुरेंद्र हिंदुस्तानी ने कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से हाटी समुदाय को जनजाति दर्जा मिले 4 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन कांग्रेस सरकार जानबूझकर इसे लटका रही है। उन्होंने कहा कि ट्रांसगिरी क्षेत्र के छात्रों को उच्च न्यायालय से हक हासिल लेने पड़ रहे हैं। इसके बाद एसटी के अस्थाई प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं, मगर अब बच्चों के लिए अस्थाई नहीं स्थाई प्रमाण पत्र चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर एक सप्ताह में हाटी समुदाय को जनजातीय प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश नहीं दिए गए तो प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन उग्र कर दिया जाएगा। आज का सुविचार, कुछ भी अच्छा होता नहीं दिख रहा है, फिर भी अच्छे के लिए प्रयास करो, क्योंकि यही एकमात्र खुश रहने का विकल्प है। तो ये थे प्रदेश के मुख्य समाचार, प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।